अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल है कि या रसूलुल्लाह, या अली, या दाता गंज, या गौसे पाक, या गरीब नमाज, या बाबा फरीद कहना और इनके नामों को लेकर के इनसे मदद मांगना कैसा है? तो इसका जवाब यह है कि या रसूलुल्लाह, या अली, या दाता गंज, या गौसे पाक, या गरीब नमाज, या बाबा फरीद कहना और इनके नामों को लेकर के मदद मांगना, मसलन या रसूलुल्लाह मदद फरमा, या गौसे पाक करम फरमा, या गरीब नवाज करम फरमा, इस तरीके से इनसे मदद मांगना, मदद चाहना इनके नामों को लेकर के, तो बहरहाल ये हराम और शिर्क है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है और हम हर नमाज में इसको पढ़ते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। साफ साफ लफ्ज़ों में वहाँ पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है और उसका तर्जमा है कि अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो मदद करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला की है। तो हमें मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मांगे, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह हमारी जो हमारे ऊपर करम फरमा। तो अल्लाह को छोड़ कर के इन के नामों से मदद मांगना और इनके नाम लेकर के मदद मांगना, ये जो है नाजायज़ है, हराम है और शिर्क है, इससे बचना ज़रूरी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।